हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि स्वादिष्ट मटन करी को कम समय में और आसान विधि से कैसे बनाएं, क्योंकि मटन करी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, पर इस मटन को मैंने बिल्कुल जो समय लगता है ना मटन को बनाने में, उससे आधे समय में इसे बनाया है। इस मटन को बनाने के लिए हमें बार बार किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा रेस्ट ले लेकर थोड़ा रुक रुक कर भी इसे बना सकते हैं। और फिर मटन के टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना जब हम इसे आसान विधि से कम समय में बहुत ही टेस्टी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 kg मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 kg मटन के हिसाब से मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 kg प्याज, जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया, तेल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही लिया है मैंने। उसमें मैं डाली हूँ तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2-3 सूखी लाल मिर्ची। जब ये सारे चीज़ चटक जाएंगे ना, तब इसमें मैं कटे हुए प्याज को डाल दूंगी। अब इस प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक इसे भुनना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे इसका कलर जब इस तरह का चेंज हो जाए ना, तब हम इसमें मटन डाल देंगे। सारे मटन को इसमें डाल देना है पहले, उसके बाद इसमें जाएगी सारे मसाले। तो मसालों में मैं पहले ले रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार। नमक मैंने यहाँ 2 छोटा चम्मच लिया है, यानी अपने स्वाद के अनुसार। हल्दी भी मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। फिर अब मैं इसमें डाल दूँगी ना, ये पैकेट वाले जो मटन मसाले होते हैं ना, उसे मैं डाल रही हूँ। अब जाएगा इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिसे मैंने 2 चम्मच लिया है। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, पर मटन का कलर इससे बहुत ही लाजवाब आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने स्टार्ट में 5 से 6 मिनट के लिए हाई पे रखा हुआ है। जब ये मटन थोड़ा पानी रिलीज करेगी, तब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से भूनूंगी। मसालों में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो टेस्ट हमें मटन में चाहिए ना, तो अगर मसालों में कच्चापन रह जाएगा थोड़ा सा भी, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें मटन में चाहिए। इसलिए जब मटन का पानी जब अच्छी तरह से सूखने लग गए, यानी कि मटन ड्राई जब होने लग जाए, तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम, कभी लो तो कभी मीडियम करते हुए इसे बहुत अच्छे से भूनना है। मटन लगभग भून चुका है, पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर और भूनूंगी, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन हो ना मटन के मसालों में, वो अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अभी चलते हैं इसके दूसरे प्रोसेस में। तो कढ़ाई को अब कर लेना है नीचे, गैस के नीचे कर लेना है, और इसमें चढ़ा देना है कुकर। क्योंकि अगर अब हम मटन को कढ़ाई में पकाएंगे, तो इसमें लगभग अभी और 1 घंटा लगेगा इसको पूरी तरह से पकने में। तो चूँकि हम इसे आधे समय में बना रहे हैं, तो इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सारे मटन को मैं पहले कुकर में डाल देती हूँ। उसके बाद जो कढ़ाई में मसाले बचते हैं ना, उसमें पानी डालकर अच्छे से इन मसालों को इसमें घोल लेना है पानी में, ताकि हमारे मसाले बर्बाद ना हो और वो ग्रेवी में चली जाए। तो मसालों को अच्छी तरह से मैंने घोल लिया पानी में, और फिर जो है ना कुकर में डाल दिया। और अब थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार और इसमें पानी लगेगा, तो मैंने इसमें और थोड़ा पानी डाला। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, लेकिन हाँ, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए ना, पतली ग्रेवी, तो थोड़ा सा पानी बढ़ा लें। पर मैंने थोड़ा लेवल का ही पानी डाला है, क्योंकि मुझे गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। अब इसमें डाल देना 1 चम्मच भरकर देसी घी। दोस्तों, मटन में देसी घी का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब आता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने मटन में तेल का यूज़ कम किया था, इसलिए अभी मैंने इसमें देसी घी 1 चम्मच भर के डाला है। उसके बाद इसमें जा रहा है 1 चम्मच भर के गरम मसाला, और भी बढ़िया टेस्ट के लिए। अब इन मटन को मसालों के साथ घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब लगा देना है कुकर का ढक्कन। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसमें लगाना है मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी, मात्र 2 सीटी, क्योंकि मटन ना आधी पक चुकी है, अब हमें इसे आधा ही पकाना है, तो 2 सीटी इनफ है। 2 सीटी लगने के बाद इसका प्रेशर खुद से निकलने दें, और फिर ये देखिए क्या कलरफुल और लाजवाब सा ये मटन दिख रहा है। रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि ये कितना बेहतरीन, अच्छा और कलरफुल दिख रहा है। आपको इस मटन का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। मैंने इसमें मसाले भी कम यूज़ करे हैं, और बनने में समय भी कम लगा है। मेरे इस तरीके से मटन अगर आप बनाएंगे, तो आपका समय तो बचेगा ही, और टेस्ट में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इस टेस्टी से मटन के साथ रोटी ले, चावल ले, चाहे ले पुलाव, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
तो दोस्तों कम समय में बनने वाली ये लाजवाब सी मटन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।